ये असरसन रीजन का एक क्वेश्चन है जो 2023 में आया है। असरसन इसमें क्या कहा जा रहा है? असरसन कह रहा है कि द डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिबिट्स द मैग्नेटिज्म, ठीक है। और इसका रीजन हमको यहाँ पे दिया है बच्चों, रीजन क्या कह रहा है कि द डाया मैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मूमेंट। ओके, तो देखिए पहले हम असरसन की बात करते हैं। कह रहे हैं कि डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिबिट द मैग्नेटिज्म, बिल्कुल। एग्जिबिट मतलब होता है दिखाना, एग्जिबिट का मतलब क्या होता है? दिखाना। तो कह रहे हैं कि क्या डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो मैग्नेटिज्म को शो करते हैं? बिल्कुल शो करते हैं। उनको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मतलब इसको बोलते हैं शो करना, है ना। एग्जिबिट का मतलब क्या होता है? शो करना। तो डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिज्म को शो करते हैं। जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड, और कोई डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया जाता है, इसमें क्या रख देते हैं बेटा? डाया मैग्नेटिक। तो इन सब्सटेंस में एक मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाता है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होती है। तो इन सब्सटेंस में जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है वो कैसे, किधर होता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस शो मैग्नेटिज्म अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, वो हमेशा अपोजिट में होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस आर फीबली रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस फीबली रिपेल्ड फ्रॉम मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, कि ये मैग्नेटिक पोल से क्या होते हैं? फीबली रिपेल्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब असर्शन यहाँ पे देखो बच्चों सही हो गया। अब रीजन की बात कर, रीजन में क्या कह रहे हैं कि द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं बताओ? डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, हैव ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स पेयर्ड इन ईच एटम। किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। और आपको पता है ना, जो पेयर्ड एटम है उनके स्पिन हमेशा किधर होते हैं? जैसे मान लो हम जेडन की बात कर लें, जेडन डायमैग्नेटिक है ना। अब जेडन, जेडन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 30 होता है। तो इसका अगर आउटर मोस्ट सेल को अगर हम उसका कॉन्फिग्रेशन देखते हैं तो क्या आता है बच्चों? कहता है 4s2 और 3d10। तो अगर हम 3d का बनाना चाहते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपने क्या देखा कि जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके स्पिन एक दूसरे से अपोजिट हो जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए किसी एटम में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसका सबसे बड़ा रीजन होता है स्पिन मोशन इलेक्ट्रॉनों का। तो इन दोनों के जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के स्पिन अपोजिट हो जाते हैं तो वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को खत्म कर देते हैं। इसीलिए ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं पेयर्ड वाले, ये सब एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। जब पूरे एटम का जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट हर एटम का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जब हर एटम का जीरो होगा तो पूरे सब्सटेंस का भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक सब्सटेंस में बहुत सारे एटम होते हैं, बट हर एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो गया। इसका मतलब पूरे सब्सटेंस का भी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहता है? जीरो रहता है। तो रीजन भी इसका बिल्कुल करेक्ट है। कि हर मटेरियल का पूरा जो परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या रहता है? जीरो रहता है। बिल्कुल सही है। बट जो
यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो डाया मैग्नेटिक मतलब ये जो प्रॉपर्टी है असर्शन की, उसका सही रीजन नहीं, मतलब रीजन सही तो है बट ये उसका सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।